हाँ ठीक है। तो आज की हमारी इस रिकॉर्डिंग में हम बात करने जा रहे हैं रिकॉर्डिंग इन पावर प्रोग्रेस। पावर बीआई के बारे में। और लास्ट क्लास में हमने बताया था आपको कि पावर बीआई कैसे फंक्शन करता है। हमने आपको कैनवस एरिया के बारे में समझा दिया कि पूरा कैनवस एरिया क्या है और पूरा सिस्टम समझा दिया। हमने आपको बता दिया था कि व्यू कितने है, तो ये समझ में आ गया था आपको। और साथ में हमने आपको हाँ सर, बहुत सारे ये भी बताए थे, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे कि पावर बीआई के डैशबोर्ड कैसे बनाया जाता है। तो अब बात करते हैं शुरुआत से। शुरुआत में हम बात करेंगे डेटा कनेक्टिविटी से, कि पावर बीआई में हम डेटा खुद से कैसे लाएं, राइट। हालांकि गेट डेटा पे जाते हैं तो बहुत सारा लिस्ट ऑफ डेटा है कि आप वहाँ से डेटा लेके आ सकते हैं। जैसे मैंने पावर बीआई में गेट में मोड पे क्लिक कर दिया मैंने, तो यहाँ पे पूरा गेट डेटा आ गया, अलग अलग कैटेगरी आ गया। ये ऑल में देखेंगे तो ओवरऑल इतने नंबर ऑफ डेटाबेसेस एंड सर्विसेज हैं जहाँ से पावर बीआई डेटा कॉपी करता है। कैटेगरी वाइज देखें तो फाइल में एक्सेल की फाइल, टैक्स से CSV की फाइल, XML की फाइल, JSON की फाइल, किसी पर्टिकुलर फोल्डर से जितनी भी फाइल से सबकी डेटा, या PDF से डेटा, या एक पैराक्यूट होता है उससे, या सिर्फ पॉइंट के फोल्डर से डेटा लेकर आ सकते हैं। डेटाबेसिस में भी बहुत सारे डेटाबेसिस हैं, जैसे कि SQL से लेकर Oracle, IBM और Amazon, सबका डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके सर, हाँ सर, पावर बीआई एक खुद की प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डेटा सेट्स होते हैं, वहाँ से भी डेटा बेस ला सकते हैं। एक नया आया है डेटा वर्सेस अजूरे, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है जैसे अजूरे एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर है तो वहाँ से भी डेटा ले कर सकते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज में भी आप जैसे ऑनलाइन जो वेब बेस्ड अप्लीकेशन है वहाँ से भी डेटा लेके आप आ सकते हैं। ओके सर, ओके। आप गूगल ड्राइव से डेटा लेके नहीं आ सकते, ध्यान रखिएगा। गूगल ड्राइव पे जो एक्सेल की फाइल होती है, जो गूगल सीट होती है, वो कनेक्ट नहीं कर सकते आप। हाँ, लेकिन अगर आपके पास ड्रॉप बॉक्स है तो ड्रॉप बॉक्स से डेटा लेके आ सकते हैं। उसके अदर सर्विसेज में यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे किसी वेबसाइट से डेटा लेके आना, किसी ओ डेटा फीड होता है उससे लेके आना, और भी बहुत सारे एक्सचेंज, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज से डेटा लेके आना, ODBC डेटा लेके आना, तो यहाँ पे अलग अलग तरह के यहाँ पे हैं। तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि मोस्टली जियो से डेटा को हम इम्पोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में। लेकिन इम्पोर्ट जब होती है तो लिंक होता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं खुद से डेटा, हमारा जो डेटा एंट्री हो, मैं पावर बीआई के डेटा में पावर बीआई के अंदर भी रखूँ, किसी फाइल से लिंक ना करूँ। तो आपके सामने एक एंटर डेटा आता है, यहाँ पे देखा होगा आपने एंटर डेटा। तो यहाँ पे आप अपने डेटा को खुद से मैनुअली क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप किसी गूगल शीट से भी कॉपी कर सकते हैं, या किसी एक्सेल फाइल से। लेकिन एक इसकी एक लिमिटेशंस है, अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे मेरा डेटा है, मैंने डेटा उठाया और मैंने मान लीजिए 50 100 हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, और यहाँ पे हम इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। हो गया पेस्ट, डेटा आ गया पूरा। लेकिन अब इसमें हम बात करें लार्ज डेटाबेस की, मैं इसको कैंसिल कर दिया और वापस पावर बीआई पे आता हूँ और मैं इसको एंटर डेटा पे आता हूँ। अब एक बहुत बड़ा डेटाबेस को हम यहाँ पे डालने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 800 का समथिंग, क्या इतना बड़ा डेटा जाएगा? चलिए हम यहाँ पे इसको डालते हैं। देखिए ये बता रहा है कि हम 3000 सेल से ज़्यादा नहीं लेते। एंटर डेटा में आप 3000 सेल से ज़्यादा डेटा नहीं ले सकते। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, तो फिर इसका बेनिफिट क्या है? क्या जब 3000 सेल ही डेटा लेगा, कॉलम की बात और रो की बात नहीं आ रही है, सेल की बात आ रही है, C1 B1 C1 होता है ना, ऐसे 3000 सेल, तो फिर क्या फायदा इसका? तो ये क्या होता है कि कभी कभी हमारे कुछ कैलकुलेटिव डेटा होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ना कि आपके पास पूरा सेल्स का डेटा है, आपको इंसेंटिव कैलकुलेट करना है, और इंसेंटिव का एक स्लैब है,
जो कि 10 या 20 या 25 लाइनों का स्लैब है, तो वो एज ए स्लैब को यहाँ पे डाल सकते हैं। तो जो स्मॉल साइज का डेटा है, कुछ ऐसे कोड है, जैसे मान लीजिए ना कि आपके पास कंट्री कोड है, तो 30 माने कि 100 या 200 कंट्री है, उनके कोड और उनकी ज्योग्राफिकल डिटेल और बाकी और भी चीज़ें हैं। या मान लीजिए आपके 100 क्लाइंट है और 100 क्लाइंट की डिटेल है, उसकी लिमिटेशंस है, तो ऐसे डेटा को आप क्रिएट टेबल में डाल सकते हैं। तो मैनुअली क्रिएट भी कर सकते हैं और बाहर से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। क्लियर है सर? तो मैनुअली क्रिएट करने के लिए एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करना पड़ेगा ना? नहीं 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 नहीं, मैनुअली क्रिएट करना है आपको। जैसे मान लीजिए मेरे पास डेटा है, मेरे दिमाग में है और मैं डायरेक्ट टेबल में टाइप करना चाहता हूँ, तो एंटर डेटा पे क्लिक करूंगा। यहाँ एंटर डेटा दिख रहा है ना सर? ये एक्सेल वर्कबुक कर दिया तो एक्सेल फाइल को कनेक्ट करेगा, समझे? लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि एक्सेल फाइल से कनेक्ट करने पे क्या होगा, क्योंकि वो लिंक हो जाएगा ना सर। करेक्ट करेक्ट, तो यही पे टाइप करके हम लोग डेटा बना सकते हैं। जी जी, यही पे टाइप। तो टाइप कैसे करना है, समझ में आया आपको? हाँ सर। क्लियर? तो दिक्कत तो नहीं है टाइप करना या एक्सेल फाइल से कॉपी पेस्ट करना? मतलब कि इसका लेने का पर्पस यही है कि हम इसको लिंक नहीं करना चाहते एक्सेल फाइल, ठीक है? हाँ सर, लिंक नहीं करना चाहते, मेन पर्पस यही है। चलिए मैं आपको आगे, अब बात करते हैं कि ये तो होगी आपकी क्रिएट टेबल, मतलब कि पर्टिकुलर टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद आता है कि किसी फाइल से, अब जैसे मान लीजिए ये डेटा की फाइल है, डेटा फाइल दिख रहा आपको ना, मैं इसी का ओपन और राइट क्लिक करके कॉपी पाथ कर लेता हूँ मैं, ताकि मैं यहाँ डाल सकूँ। एक्सेल पे आता हूँ या यहाँ से भी कर सकता हूँ, और पाथ को पेस्ट कर दिया या लोकेशन में जाकर सेलेक्ट करके आप ओपन कर दिया। तो सबसे पहले तो ये बताएगा नंबर ऑफ शीट्स, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर यहाँ पे अपना पर्टिकुलर सीट को सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे लोड ऑप्शन नहीं आ रहा है, लोड ऑप्शन तब आएगा जब इसके चेकबॉक्स पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है? हाँ, चेकबॉक्स पे हमने क्लिक कर लिया। और उसके बाद फिर यहाँ पे लोड पे क्लिक, अब यहाँ पे एक लोड भी है, और एक ट्रांसफॉर्म भी है। तो जैसे होता है क्या है कि एक तो हुआ कि आप लोड करके भी पावर बीआई में कैलकुलेशन और फील्ड वगैरह डिलीट विलीट कर सकते हैं, लेकिन कुछ और चेंज करना हो तो हम ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करते हैं। जब ट्रांसफॉर्म में क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपका फाइल पावर बीआई पे चला, पावर बीआई से पावर क्यूरी पे चला जाएगा, जहाँ पर आप अपने डेटा को अपने हिसाब से मॉडिफाई, अरेंज या और भी कुछ सही कर सकते हैं, फिर वापस पावर बीआई में आएंगे। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम यहाँ पर आते हैं लोड करते। अब लोड होते ही यहां पे देखिए फील्ड में जितने भी फील्ड होगी यहां पे फील्ड आ जाएगा पूरा लग जाएगा। कैलकुलेट कर रहा है, हाँ आ गया सीट नेम वगैरह लेके। अब सीट नेम की जगह उसको रिनेम भी कर सकते हो, राइट क्लिक करके इसको रिनेम कर दो, तो भाई डेटा वन, डेटा टू या सी जो भी कर सकते हो, इससे वहाँ फ़र्क नहीं पड़ता, आप ओरिजिनल डेटा पे फ़र्क नहीं पड़ता। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम डेटा शीट पे आते हैं, अपना ये डेटा व्यू है जहाँ पे आपका डेटा दिखता है, तो वहाँ पे आता हूँ। अब ये डेटा हमारा है, अब इसमें दो चीज़ें, पहली चीज़ अगर आप अपना डेटा जैसे देखिए 796 तक है ना सर, 7 96 तक है, तो हम अपने एक्सेल में एक रो ऐड कर देते हैं, तो एक नया डेटा डाल देते हैं इसमें। हम यहाँ पे 797, अच्छा टेबल तो नहीं ना, नहीं टेबल नहीं, अच्छा यहाँ पे 799 और
आज का डेट डाल दिया और यहाँ पे नाम दे देता हूँ ताकि डिफरेंट नाम होगा तो दिखेगा ना। ठीक है, और मैं इसको सेव कर, सेव करने के बाद आप पावर बी आई पाते हैं, बट पावर बी आई में डेटा अपडेट नहीं हुआ। तो ये पिवट, मैंने शुरुआत में बताया था कि ये पिवट टेबल से लिंक है, ठीक है ना सर। मतलब पिवट टेबल, जैसे शुरुआत में जो पिवट टेबल था वही पिवट टेबल है, ठीक है। अच्छा, तो इसको क्या कर, पिवट टेबल में जब डेटा अपडेट करते थे क्या करना होता था, रिफ्रेश करना होता, तो इसको भी आपको रिफ्रेश करना होगा। पर रिफ्रेश कहाँ से करें, तो रिफ्रेश करने के लिए आपको आना पड़ेगा होम मेनू बार में, यहाँ देखिए दिखेगा आपको रिफ्रेश का ऑप्शन। हम रिफ्रेश के ऑप्शन पर क्लिक कर दिए और डेटा रिफ्रेश हो गया। अब मैं इसको, हम नीचे जाते हैं, माफ कीजिएगा शॉर्ट है, एक बार आईडी के भी यहां पे शॉर्ट कर देता हूँ। आ गया ना सर, दिखा सर। हाँ 799। हाँ सर, तो ये इस तरह की आप अपडेट कर सकते हैं। तो जब आप कनेक्ट करते हैं तो आपका फाइल उस पर्टिकुलर फाइल से आपका डेटा लिंक होता है, तो यहाँ पे जो दिख रहा है उसी फाइल को ये प्रेजेंट कर रहा है, मतलब उसकी एक प्रति छाया या उसका शैडो कह लीजिए ना, यहाँ पर आता है, ठीक है। तो आप पावर बीआई में कुछ भी चेंजिंग करते हैं तो आपका ओरिजिनल डेटा पे किसी भी तरह का चेंज नहीं होता है, लेकिन ओरिजिनल डेटा में आप किसी तरह का चेंज करते हैं तो रिफ्रेश करते ही पावर बीआई उसको अपडेट कर लेता है। लेकिन प्रॉब्लम कब होगी, जब आप उस पर्टिकुलर फाइल को मूव कर देंगे। अभी मेरा फाइल डाउनलोड में पड़ा हुआ है, मैं उसको उठा के मान लीजिए डेस्कटॉप पे डी ड्राइव में, सी ड्राइव में रख दूंगा, तो दैन रिफ्रेश करने के बाद आपको एरर देगा, क्योंकि फिर उसको लोकेशन में फाइल मिलेगी नहीं, तो फिर आपको जो है उस फाइल को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे डेटा स्टोर सेटिंग दिख रहा है आपको ट्रांसफॉर्म डेटा में, तो यहाँ से आपको चेंज सोर्स पे क्लिक करके वापस से सोर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक कब होगा, जब आप फाइल को करते हैं। अब बात करते हैं डेटा के टाइप्स को, देखिए डेटा को देख के पता चलता है कौन सा डेटा टाइप। मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, एक बार और समझा देता हूँ। जैसे कि जिस पे ई सम ऑफ का साइन लगा है, सम ऑफ का साइन, इसका मतलब है कि नंबर है। जिस पे कुछ नहीं लगा है, बिल्कुल निश्चित नेम है, वो टेक्स्ट है। जिस पे कैलेंडर का डेट लगा हुआ है वो क्या है, आपका नेम है। अब इसे मान लीजिए सिटी है हमारा, राइट। अब सिटी को आप जो है यहाँ कॉलम टूल्स में आइए और यहाँ से नेम तो सिटी है, डेटा टाइप यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पे देखिए ऑल नंबर डेसिमल डेट टाइम टेक्स्ट टेक्स्ट टू फ्लैट टेक्स्ट रखते हैं, और यहाँ पे आपका फॉर्मेट है कि आपका क्या होना चाहिए, और ये आता है डेटा कैटेगरी, ये आपका कैटेगरी क्या है। तो हमने बोला कि ये मेरा सिटी है, हमने क्या बोला कि इस सिटी है, तो हमने एक्सेल बता दिया सिटी है। तो अब देखिए इसके ऊपर मैप का साइन आ गया, मतलब कि ये ज्योग्राफिकल डेटा है, समझे ना, समझ गया। अब इसका यूज क्या होगा, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग लैंगिट्यूड लैटिट्यूड वगैरह लेते हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे नेम होते हैं जिसको बताना पड़ता है कि दिस इज नॉट अ टेक, दिस इज अ ज्योग्राफिकल डेटा। तो उससे क्या होगा कि जब आप इसकी रिपोर्ट बनाएंगे तो जब मैप चार्ट यूज करेंगे ना, तो इधर स्लाइसर पर क्लिक कर दिया, जब मैप चार्ट हम यूज करेंगे, जब इसको रखेंगे तो फिर उसी हिसाब से सिटी को पिक कर लेगा, क्योंकि तो उसी हिसाब से सिटी को अपना आइडेंटिफाई कर लेगा। देखिए सर, ठीक है सर,
इसलिए ज्योग्राफी को बिल्कुल डरा डालते हैं। लेकिन कभी इसमें भी प्रॉब्लम होती है, ज्योग्राफी डेटा में प्रॉब्लम होती है सर। जैसे मान लीजिए ना कि पटना जो है बिहार में पड़ता है, और एक पटना आई थिंक पोलैंड में ही पड़ता है, पोलैंड या इंग्लैंड, इंग्लैंड में भी पड़ता है। तो कुछ ऐसे नेम है जो कि इंडिया में भी है और अदर कंट्री में भी है। तो ओके, तो पॉपुलरिटी दोनों का, दोनों जगह हाँ दिखाएगा। नहीं एक जगह दिखाएगा, प्रॉपर्टी के हिसाब जो जो पॉपुलर होगा उसके हिसाब से पकड़। जैसे यहाँ पे देखिए पटना जो है ओके बिहार का हाँ पकड़ लिया, क्योंकि जो है बिहार का पटना पॉपुलर है जो कि इंग्लैंड की पटना से। तो पॉपुलर जो होगा उसको पकड़ लेता है। लेकिन कभी कभी हमें दिक्कत भी होती है, तो उस केस में हम लोग क्या होता है कि उसके लैटिट्यूड वाला डाटा डालते हैं, एंड देन उसको बताते हैं कि दिस इज द लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, समझे। हेलो, तो इस तरह हाँ से, समझ गया। हाँ इस तरह से हम डेटा की कैटेगरी को चेंज करते हैं। देख दूसरा होता है डेटा टाइप, कि डेटा आखिर है क्या और उसकी कैटेगरी क्या है। डेटा तो टेक्स्ट में, क्योंकि सिटी नेम तो टेक्स्ट में ही होगा ना, बट हाँ इसकी कैटेगरी जो है, इसकी कैटेगरी हमारा सिटी में है, तो जोइको पर डेटा दे दिया और इस तरह से यहाँ पे एसेंबल बन गया। तो हम समझ गए कि हाँ ये एसेंबल है, समझ गए। बराबर। हाँ तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, यहाँ पे कंट्री भी है, स्टेट भी है, पोस्टल कोड भी है, कंट्री भी है, तो ये चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास पोस्टल कोड है, जब भी पोस्टल कोड रखते हैं तो ऑटोमेटिक सम कर देता है, तब उसको आप कन्वर्ट कर देंगे पोस्टल कोड में तो सम नहीं करेगा, बार कोड वगैरह है तो उसको सम नहीं करेगा, काउंट करेगा। तो इस तरह की चीज़ों पे राइट ठीक बेनिफिट होता है जब हम उसकी डेटा टाइप को चेंज करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ हमारा होल एक कौन सा है, हमारा होल नंबर है, इसको डेसिमल में जब सिलेक्ट कर देंगे तो फिर यहाँ ओके कीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपके डेटा में डेसिमल पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, एक या दो डेसिमल पॉइंट अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। हाँ सर। और यहाँ पे बहुत सी चीज होता है, जैसे मान लीजिए पीआईडी है, पीआईडी है ना सर, तो पीआईडी का देखिए समराइजेशन, ऊपर में एक समराइजेशन होता है डिफॉल्ट समराइजेशन जो कि काउंट है, आप इसको एवरेज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एमआरपी का डिफॉल्ट समराइजेशन आप देख रहे हैं सम है, बट एमआरपी का सम तो हम लेते नहीं ना, एमआरपी का तो हम लोग एवरेज हाँ लेते हैं। तो जब भी आप अपने रिपोर्ट में एमआरपी डालेंगे तो ऑटोमेटिक वो सम दिखा देगा, बट आप चाहते हैं कि मेरा सम ना हो, ये आपका क्या हो, एवरेज हो या मैक्सिमम हो मिनिमम हो, तो आप उसको चेंज कर सकते। तो मैंने यहाँ पे एवरेज कर दिया। तो अब जब मैं अपने रिपोर्ट पे रखूँगा, जैसे मान लीजिए हमने नेम को रख दिया, और मान लीजिए हमने यहाँ पे नेम रख दिया राइट और यहाँ पे हमने एम आर पी रख दिया। तो अब एम आर पी का देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एवरेज आ रहा है ना सर, 53 पॉइंट समथिंग, ये एवरेज है ना, आप यहाँ पे देख हाँ सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट एवरेज होगा। तो आपको बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। पर सर हमें एज इट इज चाहिए होगा, तो समझो थोड़े ही प्रोडक्ट्स है और एज इट इज चाहिए तो यहाँ प्राइस पे तो डॉन समराइज कर दीजिए, ओके। हाँ डॉन समराइज पूरा डेटा आएगा आपको, देखिए पूरा डेटा आया, ठीक है। तो ये हमारा था, तो चलिए इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए, हाँ सर